हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन 2019 का ये पेपर है। तो अभी हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। तो यहाँ पे प्रिंटेड पेज की बात करा तो वो 8 दिख रहा है, रोल नंबर आप लिख लीजिएगा जो आपका रोल नंबर होगा। ये केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइटल है। और हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा है, वो 75 देगा और टाइम यहाँ पे 3 आवर्स। और नोट में कुछ नोट दिए गए हैं, मतलब ये दो नोट्स देगा। पहला नोट्स ये बोलता है कि इसमें चार टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट पहला क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, उसके बाद चार यूनिट से क्वेश्चंस होंगे, उसको आप हर यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक, नीचे बोल रहा है कि ये जो अति लघु है, ठीक, छोटे वाले क्वेश्चंस को 200 वर्ड्स और बड़े वाले क्वेश्चंस को 500 वर्ड के अंदर ही लिखना है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी लंबा ना हो, टीचर को चेक करने में मेहनत ना लगे। देखो पहले से बता दे रहे हैं कि कम लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है मेरा यहाँ पे, बड़ा निम्नलिखित जितने भी यहाँ पे फॉलोइंग्स क्वेश्चन दिए गए हैं उसके एक छोटे छोटे आंसर देने हैं। जैसे बोल रहा है कि सक्रिय मेथिल समूह क्या हैं, दो उदाहरण दीजिए। अच्छा है, चलो भाई दे देंगे। आगे बोल रहा है कि आईआर स्पेक्ट्रम की सहायता से निम्नलिखित यौगिक के युग्म के किस प्रकार आप विभेद करेंगे। चलो भाई इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे तीन यौगिक दिए हैं, तीन नंबर के, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये पिरिडीन, पिपेरिडीन और उसके बाद पायरोल की क्षारकता की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो अपने हिसाब से आप करिएगा, ज़्यादा डीप में न जाइएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको स्टूडेंट्स डीप में चले जाते हैं। जैसे हम लोग के समय आया था तो हम लोग भी काफ़ी डीप में चले गए थे, जो मार्क्स था वो थोड़ा सा कम आया था। ठीक, नहीं तो ऐसे आपका लगभग आप ऐसे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो 60+ तो जा ही सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की, तो जूटर आयंस क्या हैं आपका उदाहरण देना है। चलो भाई दे देंगे, अच्छा है। आगे यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही प्रकार के ओसाजोन बनाते हैं, अच्छी क्वेश्चंस हैं, क्यों बनाते हैं, ये रीजंस लिखने हैं। तो रीजंस लिखने हैं तो हम रीजंस को काफ़ी अच्छे से लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी टाइप में तो यूनिट फर्स्ट आ जाता है। ये पांच क्वेश्चन थे, तीन तीन नंबर के, मतलब 15 नंबर यहाँ से। आगे बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक का सिद्धांत क्या है, उचित उदाहरण देते हुए स्पिन बिखराव को समझाइए। देखो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जाता है, आप इसको हिसाब से करिएगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के ही करिएगा। लगभग 300-400 वर्ड के अंदर इसको निपटा दीजिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का जो पहला है, पहले का मतलब दूसरा का बी जो है यूनिट फर्स्ट का, वो बोलता है निम्नलिखित यौगिकों के एनएमआर, ठीक, स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन के बिखराव तरीके का निरूपण कीजिए। ठीक, 112 ट्राइब्रोमोएथेन की बात कर रहा है, एसिटोफिनोन की बात कर रहा है। दो क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे थे, छोटे छोटे थे, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करना होगा तो नीचे वाला करिएगा। ठीक, यदि नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर वाले क्वेश्चन को आप मत करिएगा, क्योंकि नहीं आ रहा होगा तो आप दिक्कत ना हो। चलते हैं, पेज तीन खत्म हो गया भाई, चौथे पे चलते हैं। देखो चौथा क्या कह रहा है, चौथे पेज पे देखो यहाँ बोरा आर करके दिया कि आपका एक ऑर्गेनोल था, ठीक, आर्गेनो और लिथियम और आर्गेनो और जिंक की बात कर रहा है। ठीक, यौगिक बनाने का एक एक उदाहरण लिखना है, तरीका बता दीजिए, तो प्रिपरेशन की मेथड लिखना है। उसके बाद लिथियम जो आर्गेनो लिथियम यौगिक क्यों गिगरनाट जो रिएजेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसको आप दिखा दीजिएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि जो गिगरनाट अभिकर्मक होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, उनमें जो एक लंबी सीरीज होती है वो दो बार इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्गेनोलिथियम ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड्स नहीं बनाता है। और नीचे वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बोरा आर्गेनोलिथियम यौगिक और गिरनाट के अवरोधक या अवरोधित जो हमारा कार्बोनिल समूह है, निम्नलिखित क्या अंतर है और क्यों, बता दीजिए भाई। चलो भाई हम बता देंगे इसको, आप एक उदाहरण दीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, 5 नंबर तो दे देंगे गुरुजी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सी के पास, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है इसी में, तो निम्नलिखित के साथ आर्गेनोलिथियम यौगिकों का एक अभिक्रिया लिखिए या क्या अभिक्रिया होगा। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बता रहा है, पिरिडीन बता रहा है और बेंजिल ब्रोमाइड बता रहा है, ये तीन रिएक्शंस हैं, दो दो नंबर के। चलिए भाई इसको कर लेंगे हम। चलते हैं नंबर यहाँ पे सेकंड के पास, तो नंबर सेकंड जो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वो कार्ब धात्विक की बात कर रहा है, यौगिक की परिभाषा करना है, कार्ब जिंक, कार्ब लिथियम, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, उनकी क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कार्ब और मैग्नीशियम यौगिक के प्रारंभ कीजिए। और चलो ये तो आप बना लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसके नीचे वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, दो दो नंबर के, आपको बनाना है एसीटोन से आपका मेथिल साइनाइड, बेंजोइक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड,
प्रोपेनॉल से प्रोपोनोइक एसिड्स, और उसके बाद टेट्रा एथिल रेड से आपका लेड क्लोराइड, उसके बाद टू ब्यूटाइन से आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे हमको बनाने होंगे। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे इसी का आर दिया है तो बोल रहा कि पायरोल फ्यूरिन और थायोफिनिन थायोफिन के एरोमेटिक चित्रण की या चरित्रों की तुलना कीजिए। तो अब चित्र बनाकर मतलब जो इसका फिगर है डायग्राम बनाकर आप इसको तुलना कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, समझाइए क्यों पायरोल जो होता है हमारा अम्लीय लक्षण प्रकट करता है जबकि फिरडीन क्षारी। तो भाई इसके मैकेनिज्म में आप जाइएगा, फिगर बना के मैकेनिज्म को समझा दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे सी, क्यों बोरा समझाइए क्यों पिरोडीन में स्थान टू नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हेतु समर्थित है जबकि स्थान थ्री इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्सटीट्यूशंस रिएक्शंस हेतु समर्थित है। तो भाई उसके यहाँ भी देखो क्या कहना है, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ वाला थोड़ा सा क्वेश्चन मैच करता है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको जो भी पॉइंट्स होंगे इसके फिगर बनाकर आप उसको समझा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड बोलता है ओसाजोन बनाने की विधि, अभी पहले भी आया था तीन नंबर में, यहाँ भी आ गया। ठीक, तो ओसाजोन आप बना लीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि समरूपण क्या है, कंजुगेशंस की बात कर रहा है। ठीक, के इरिथ्रो और थायोनामीकरण क्या है, ठीक बता दीजिएगा, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। उसके बाद ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे बदलें, चल भाई ठीक है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल लेंगे। एल्डोज की आपकी जो कैलेरिन और फिशर सिंथेसिस क्या होती है इनको बताना है, कि जो क्लियोनी होती है क्लियोनी फिशर सिंथेसिस इसको आप दिखा दीजिएगा एल्डोज की, अच्छा क्वेश्चन था ये, बीएससी सेकेंड ईयर में भी था। आगे बात करें आर बोरा अमीनो एसिड क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अमीनो एसिड बनाने की तीन विधियां, चलो भाई बता देंगे इसको, सेवन नंबर का मॉक्स था। आगे बोरा डीएनए की दोहरी टेढ़ी और संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, चलो भाई इस स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, बायो वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। आगे बात करते हैं यूनिट फोर की, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो हमारे थे उनकी भौतिक व रासायनिक विधियों मतलब गुणों का वर्णन करना है, चलो भाई इसको भी कर लेंगे। अब पढ़ते हैं पीछे आठवां जो हमारा पेज है इस पे, निम्नलिखित बहुलकों के संश्लेषण का उपयोग बताइए, पॉलीस्टाइन टेलीरम, तो टेली जो टेलीन है वो और पॉलीस्टाइन है, ये बहुलक काफ़ी अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन है आप उसको बड़ा आराम से कर लेंगे। निम्नलिखित में से कहीं तीन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजनेस मतलब कि आपका जो ऑयल होते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल मतलब ऑयल का हाइड्रोजनीकरण करना है, इतने अच्छा क्वेश्चन का आ सकता है ना, तो आप इससे अच्छा क्वेश्चन मिले नहीं, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ये सोफोनेशन की बात कर रहा है, सोफिफिकेशन, तो सोफिफिकेशन वैल्यू क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया भी था। ठीक, ये साबुनीकरण अभिक्रिया बताता है, आप क्लास 10 से इसको पढ़ रहे हैं। पॉलीएस्टर क्या है, आपका पॉलीएस्टर के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है पॉलीएस्टर के बाद आयोडीन वैल्यू क्या है, तो आयोडीन वैल्यू को आप बता दीजिएगा भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन तीन लाइन का आता है, तीन नंबर का है, इससे अच्छा तो मिल नहीं सकता। आगे बात करें संश्लेषित आपका जो डिटर्जेंट्स हैं वो क्या है, तो आप इनको बता दीजिएगा, साबुन कपड़ा धोने वाले की बात कर रहा है। ठीक, आगे बात करेंगे रंग वो रासायनिक संरचना पे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होती है इसके बारे में बताइएगा। तो देखो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जो हमारे पाई पाई और सिग्मा पाई और एन पाई और एन सिग्मा होते हैं, ठीक, और एन पाई होते हैं और सिग्मा पाई होते हैं, ये पांच ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इसको हमको बताना पड़ता है। तो कुल मिला के पेपर काफ़ी अच्छा रहा है, पूरे पेपर के रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे 75 मार्क्स में काफ़ी अच्छा से आप तैयारी करके गए, तो 60 मार्क्स या 65 मार्क्स आपके कहीं गए नहीं है, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, टीचर नंबर और रखते हैं अपने पास, लेकिन तब उतने के लिए नहीं रखेंगे जितना आपको जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।